विक्की, तुम कहीं जा रहे हो? अब मैं इस केस को और लंबा नहीं खींच सकता। आई एम सो सॉरी विक्की, जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए थे वो अधूरा रह गया। तुम्हें वाकई लगता है कि विक्रम दीवान कोई भी काम अधूरा छोड़ता है, ना अपनी कॉफी ना अपना काम? क्या मतलब? ये क्या है? मास्टर कार्ड। हुकुम का इक्का, सरबजीत का एक इंटरनेशनल अकाउंट दुबई के एक बैंक में, जिसकी डिटेल्स उसने आज तक शेयर नहीं की। सवाल ये उठता है क्यों? जवाब है कि मास्टर अदिति, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो यहां से सीधा दुबई निकलता हूं। ठीक 3 बजे बैंक ऑफ दुबई से सरबजीत के फोन पर एक ओटीपी आएगा। तुम्हें कैसे भी वो ओटीपी मुझे बताना है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम होगा। अदिति, दिस इज अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी। आज अगर वो लॉकर नहीं खुला तो सरबजीत कभी नहीं पकड़ा जाएगा। आई प्रॉमिस यू विक्की, आज 3 बजे सरबजीत सिंह का सच और उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। ये जितना सारा जला हुआ सामान है बाहर लेके जाओ, ऊपर से सोफा बेड और कर्टन जाके रूम में लगाइए। मम्मी जी, सत श्री अकाल। क्यों है पत्थर? ओ बाहर जलिया दा सामान पिया सी। मम्मी जी सब ठीक है, वो एक्चुअली कल रात को शॉर्ट सर्किट हो गया था तो इसलिए। नानी नानी, कल ना मैं मम्मा और करण फायर में फंस गए थे, फिर पैम के सुपर पापा और एक अंकल ने मिलके उनको बचा लिया। जुआई जी, इतना कुछ हो गया, किसी ने मेरे को नहीं बताया? मम्मी जी सब ठीक है, घबराने की कोई गल नहीं। आप लोग बताइए, इतनी सुबह सुबह? हाँ जी, हमने दिल्ली गए थे और हमें वहां जाके पता चला कि विक्की। ओ जी, बस ऐसे ही, ओ, मन घबरा रहा था, बस अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, सोचा मेहर से मिला हूँ। कितने मेहर? मेहर जी अंदर। तुसी ऐसे ही रहना। जी मैडम जी। आजो। जी मैडम। हाय मेरी रानो, मेरी दिए, मेरी कुड़ी, तू ठीक थे ना? हाय करण, ठीक है ना? ऐ रुड़ जानी, आग किस तरह लगी? महर मम्मा, सुपर अंकल चले गए, उन्होंने पैम को बाय भी नहीं बोला। वो सुपर अंकल कौन है? वो ही नानी जिन्होंने कल करण को फायर से बचाया। ओहो, उन ऐथे सुपर अंकल कौन आ गया है? विक्रम दीवान। बाय नानी। सोचा ना मानव, तेरे कार को साया? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने कहा था ना, उस मानव को कार में कुछ नहीं देना। वो मानव नहीं है, वो मानव ही है, 101% मानव है। और तेरे कार में आग लगी नहीं, लगाई गई उस मानव ने। कोई बार में समझ नहीं आता क्या मम्मी जी? मैंने कहा ना, वो मानव नहीं है, मतलब नहीं है। मानव की शक्ल मानव से मिलती, लेकिन वो विक्रम दीवान है और उसने कोई आग नहीं लगाई। आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। और ये आपका डर, ये सब आपके पाप की वजह से है। वासना कर। पाप? कौन सा पाप? कैसा पाप? केड़ा पाप? वो औलाद की जिंदगी, उसका भविष्य संवारना कोई पाप शाप नहीं होता। अरे, अब आप मां बन गए हो ना, हुन तुहानू पता चलता है।
कि माँ का दिल कैसे होता है। और एक एक बात कान खोल के सुन, एवरीथिंग दे मान ले, मानव दिल्ली से पक्की रिपोर्ट आई है। तू थोड़ा होशियार रह पुत्र, वो बदला लेने आया है वो। मम्मी जी आप ओहो जो करना है कर, जो ठीक लगे कर। तेरे को क्या लगता तेरी मम्मी जी पागल है? तेरे को ज्यादा अकल आ गई तेरी मम्मी जी से? ओ मैं लिफाफा देख के बताती हूँ कि अंदर चिट्ठी में क्या लिखा। तू मेरी बात समझे या ना समझे, माँ जब जब मेरे बच्चों के आगे कोई भी तकलीफें आनी है ना, तो मैं पहाड़ बन के खड़े हो जाना है उनके सामने। अदिति जी आइए ना। आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। नो नो महर, आई थिंक हमें करण को कुछ घंटे और अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। मैं दोपहर तक यहीं रुक जाती हूँ। जी, ओ इस बच्चे का इलाज मैं बताती हूँ। इस बच्चे की नजर उतारो। इस पूरे परिवार को नजर लग चुकी है। सस्री जी, जी। मेहर जी, मेरुमा करण की नजर उतार रही है। रन होवे ते बूंदा सड़े, आदमी होवे ते चूंडा सड़े, पूरी नजर वाले दी नजर सड़े, जिन्हें पाइए उसी देखो। कोई स्मेल नहीं आ रही, बहुत बुरी नजर डाली कर। चलो परम पुत्र आपकी बारी, आ जाओ। पता महर जी, आपको देख के मुझे मेरी दादी की याद आ गई। वो भी हमारी नजर ऐसी उतारती थी, लेकिन वो टाइम कुछ अलग था। आप आज भी उसमें बिलीव करती हैं? सरबजी जी, टाइम चाहे जो भी हो, माया और उनका यकीन बदलता नहीं है। कितने सरबजी जी, यहीं खड़े रहे, अब आपकी बात। Come on, मैसी, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना जो आप मेरी नजर उतार रही हैं। बिल्कुल ठीक है, बच्चों के भी बच्चे हैं और वैसे भी नजर किसी को भी लग सकती है। लेकिन मैं जी, सरबजी जी मुंह बंद सर नीचे चलिए। फिर इस हिसाब से तो आपकी भी नजर उतारी जाएगी। सरब जी, दोस्ती अपनी जगह है और इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह है। 2000 करोड़ के स्कैम का जो घपला है उसका मैं पता लगा कर रहूंगा। मानव ही है, 101% मानव। वो हमसे बदला लेना चाहता है। विक्रम दीवान की बुरी नजर ना तो मैं सरबजीत जी पे पड़ने दूंगी और न ही अपने परिवार पे। सर, सरबजीत सिंह गिल पर मेरी पूरी नजर है, लेकिन अगर हेडक्वार्टर से मैं रिटन परमिशन लेने जाऊंगा तो कम से कम 10 से 12 दिन चले जाएंगे। और आपको पता है ना कि 10 से 12 दिनों में सरबजीत कुछ भी कर सकता है, सारे सबूत खत्म कर सकता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि देश के हित में लिया हुआ कोई भी फैसला गलत नहीं हो सकता। प्लीज सर, लेट मी डू दिस। ओके विक्रम, बट बी केयरफुल। यस सर। चलो बाय सर।
अदिति तुम तैयार रहना, मैं दुबई लैंड कर चुका हूँ। नजर वाले की नजर सरे, जिन्हें लाई है उसके ही पवे। क्या कर रहे हो परम? परम आपकी नजर उतार रहा है ताकि आपको कभी भी उई उई ना हो। अब देखना दीदी आंटी, आपको किसी की भी नजर। ओफो, क्या हुआ? पैम ने आपको अदिति आंटी कहा, फिर भी आप तो पापा की सिस्टर हो, जैसे हलीन बुआ। परम हलीन बुआ को हलीन बुआ कहता है, इसके लिए पैम भी आपको अदिति बुआ कहेगा। अदिति बुआ, आपने पीफा पहन के छोटे बदर को टूटू बाय सेव किया, के लिए थैंक यू एंड प्रॉमिस। आज से परम के सारे टॉय आपके। और परम अपने अदिति बुआ को कभी भी उई उई नहीं होने देगा, इतना सा भी नहीं। आखिर ऐसी कौन सी दवा है जो परम को खिलानी बहुत जरूरी है? दिमाग कमजोर करने की दवा। इसके बारे में मेहर मम्मा को मत बताना और ये बात सीक्रेट रहनी चाहिए। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। आई एम सो सॉरी परम, तुम्हारी मासूमियत के आगे आज मैं हार गई। आपकी अदिति बुआ आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन इस गिल खानदान को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। हाय विक्रम, तुम पहुंच गए? अदिति, नाउ लिसन केयरफुली। ठीक 5 मिनट बाद सरबजीत के मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी तुम्हें मुझे फौरन बताना है, क्योंकि ये लोग एक ही बार भेजते हैं और वो 5 मिनट के लिए वैलिड होता है। रिमेम्बर, 3:05 एंड इट्स ओवर। डोंट वरी विक्रम, आई एम ऑन इट। हाउ मे आई हेल्प यू? आई हैव एन अकाउंट हियर, आई वांट टू एक्सेस माय लॉकर। आईडी प्लीज। Mr. Sarabjit Singh Gill. Yes. Follow me. Go there. सरब वीना, रेखा जी का फोन है, ते चला गया। हेलो, हेलो त्रिखा जी। हाँ जी, तो बस मैं ठीक हाँ, तुसी ओ मैं एंटर कर चुका हूँ, बी रेडी। योर फिंगरप्रिंट प्लीज। Welcome, Mr. Gill. Now you will receive your OTP on your register mobile. Enter your OTP and get access to your locker.
हाँ जी त्रिखा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सरब भी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, एक सेकंड। सरब, ओ त्रिखा जी, सरब ना थोड़ा ऑफिस दे काम विच बिजी सी, ते मैं थोड़ी देर तक गल करा देनी है। This is your locker. All yours, man. Thank you. हाँ विक्रम। अदिति, OTP तो जल्दी। Just give me 1 minute, please. अगर आज मैं ये लॉकर खोलकर नहीं देख पाया तो सरबजीत के काले कामों की सच्चाई में दुनिया को कभी नहीं दिखा पाऊंगा। Actually, सरब का फोन मेरे पास नहीं है। लास्ट मोमेंट पे हलीन फोन ले गई। Just एक मिनट दे दो। Come on, अदिति, टाइम नहीं है मेरे पास। कैसे भी वो फोन लो और OTP दो मुझे अभी। हाँ, just wait. हाँ जी हाँ जी, सरब फ्री होता है तो मैं थोड़ी गल करानी है। ओके बाय। टाइम नहीं है हमारे पास, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। प्लीज गिव मी द OTP राइट नाउ। परम, हम एक गेम खेले। आपकी हरलीन बुआ के पास आपके पापा का फोन है, ठीक है? उसमें बहुत अच्छी गेम, आप जल्दी से वो फोन लेके आओ और हाँ, मेरा नाम मत बताना, ठीक है? ओके। अदिति, 3 मिनट से भी कम टाइम बचा है मेरे पास। आई नो, बस हो गया, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड अदिति, अगर 2 मिनट के अंदर हमने करेक्ट OTP एंटर नहीं किया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। सरबजीत ने लॉकर के अंदर क्या रखा है ये राज राज ही रह जाएगा। अच्छा सरब, मैं की सोच रही थी अपना तरन तारन वाला ऑफिस है ना, उन्हें रेनोवेट करवा ली है। परमुत्तर, एक सेकंड। बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं उत्थे गई सी, इट वॉज नॉट इन अ गुड शेप, थोड़ा मैस है, ते अच्छा हो जाएगा जे रेनोवेट हो जाए थे। कोई चक्कर नहीं, ठीक करा ला। हाँ जी पुत्र, की चाहिए? पापा आपका फोन दो ना, पम को गेम खेलना है। हेलो। थैंक यू पापा, थैंक यू बुआ। थैंक गॉड, पर हमने फोन ले लिया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, टेल मी द OTP राइट नाउ। What happened? क्या हुआ? परम पुत्र, क्यों होया ची? अदिति, टाइम नहीं है हमारे पास, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। प्लीज गिव मी द OTP राइट नाउ। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हुआ। हाँ विक्रम, फोन मिल गया है। कम ऑन अदिति, फास्ट। ओह गॉड, फोन तो लॉक है। इतनी मुश्किल से ये मौका मिला था इस सीट स्कैन में सरबजीत सिंगल की सच्चाई बाहर लाने का, और वो भी हर सेकंड के साथ निकलता जा रहा है। Come on, Aditi, give the bloody OTP right now. Hello, Aditi, can you hear me? Aditi जी? Hello, Aditi? Aditi, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। Hello? सरबजीत जी का फोन लाइए, मैं उन्हें वापस कर देती। मेहर जी, एक्चुअली मेरे फोन पे ना नेटवर्क नहीं आ रहा, एंड आई हैव टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल। एक पेशेंट से बहुत जरूरी बात करनी है। कैन आई यूज? ऑफ कोर्स, लीजिए ना। थैंक यू। ओ सॉरी, मैं अनलॉक कर देती। ये लीजिए। Come on, Aditi, सिर्फ 1 मिनट बचा है, let's do it. Hello, Mrs. Chawla. Actually, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, यहाँ नेटवर्क की थोड़ी सी इशू है। Come on. 1 मिनट होल्ड करना, मैं बाहर जाके आपसे बात करती हूँ। हाँ मिसेज चावला,
अब आ रही आवाज आपकी। हाँ जी, हाँ हाँ विक्रम। हेलो, या 26TS। लास्ट अल्फाबेट क्या बोला? डी। नहीं, एस फॉर सिंगापुर। उससे पहले क्या बोला? टी फॉर ट्रेन। ओके। 26 26 फास्ट अदिति प्लीज। TS 16 16। डन। थैंक गॉड। अदिति जी, बात हो गई आपकी? हाँ, थैंक यू। करण सो गया जी? लाइए, मैं सरबजीत जी का फोन उन्हें दे देती हूँ। 5 मिनट में उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल। ओटीपी मैसेज डिलीट नहीं हो पाया। मेहर या सरब ने ओटीपी मैसेज दे दिया तो? हाँ विक्रम। गुड जॉब स्वीटहार्ट। थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट। बस लॉकर खुलने ही वाला है। और तुमने वो ओटीपी वाला मैसेज डिलीट कर दिया ना? ये लीजिए आपका। थैंक यू मैम जी। कॉल का टाइम भी हो गया। सॉरी, एक मिनट। सरबजी जी, ये ओटीपी कब आया आपको? ओटीपी? इंटरनेशनल बैंक ऑफ दुबई से। देखिए,